हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, आरआरसी साउदर्न रेलवे चेन्नई जीडीसी एग्जाम में 10 जून को 2024 को जो है कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए। एक कैंडिडेट्स के द्वारा हमें बताया गया कि जो भी क्वेश्चन जीडीसी एग्जाम में साउदर्न रेलवे के द्वारा 10 जून को पूछे गए थे उसके लगभग कुछ क्वेश्चन हमारे पास जीके जीएस के आ चुके हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में भी बताया गया है। तो वाकई में यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं रखा गया था और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। देखिए, अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो उड़ीसा यहाँ पर सभी को पता है, लेकिन इस बार पूछ लिया गया था कि किस जिले में स्थित है, तो केंद्रपाड़ा। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जो है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित जो है स्थित है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड बैंक जो है फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, मतलब कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर नाबार्ड का फुल फॉर्म हो चुका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है। आप सभी जो है फ्यूचर में जो है जीडीसी वगैरह का एग्ज़ाम हो गया या फिर एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आपका एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि एनटीपीसी किस मंत्रालय में आता है। तो देखिए, एनटीपीसी मतलब कि आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मतलब इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो है ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बिजली बनाने के लिए जो है एनटीपीसी जिम्मेदार होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि एनटीपीसी का काम जो है वो बिजली बनाना है। उसके बाद जो है सीएजी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। तो सीएजी का फुल फॉर्म जो है वो कंट्रोलर, देखिए यहाँ पर कंट्रोलर नहीं है, यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेम्बनाड झील कहाँ है। तो आप सभी को पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेम्बनाड झील जो है केरल में है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से याद रख सकते हैं, इसमें एक ही मात्रा है और इसमें भी एक ही मात्रा है, तो बेम्बे के इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो बेम्बनाड केरल में स्थित है। अब इसके बाद यूएनए की पूछ लिया गया था कि यूएनए की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनए की स्थापना हुई थी। तो यूएनए की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, न्यू यूनाइटेड स्टेट में। और जो है द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके जो है इसके बाद यहाँ पर इस यूएनए की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसी यूएनए से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो है महासचिव कौन है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके महासचिव है। और इसी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 193 देश है, इसके सदस्य देश है, और 193 मतलब कि लास्ट जो देश है वो आपका दक्षिणी सूडान, इसका जो है 193 देश है। तो दक्षिणी सूडान जो है लेटेस्ट देश इसमें शामिल हुआ है। दोस्तों, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण राजा सागर डैम के वास्तुकार कौन है। तो जो कृष्ण राजा सागर डैम है उसके वास्तुकार सर एम विश्वेश्वरैया, तो जो कि भारत के जो है इंजीनियर वगैरह भी जाने जाते हैं, और इनको जो है आधुनिक मैसूर के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है, इससे भी इनकी पहचान है, तो सर एम विश्वेश्वरैया। और दोस्तों, कृष्ण राजा सागर डैम जो है ये कर्नाटक में है, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया था 1924 में। आप सभी जो है इसको ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर बनाया गया है। अब आगे क्वेश्चन है मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु में है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है। तो इसको जो है अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि काकोरी कांड में किन्हें फांसी हुई थी। तो देखिए, यहाँ पर हमें ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन जो है यहाँ पर 17 दिसंबर को, मतलब कि टोटल 4 लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई थी। देखिए, पहला जो है 17 दिसंबर को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, और उसके बाद बाकी सभी को जो है 19 दिसंबर को दी गई थी। तो 19 दिसंबर को 3 लोगों को दी गई थी। 19 दिसंबर को अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। मतलब कि टोटल 3 लोग और प्लस 1, मतलब कि टोटल 4 लोगों को यहां पर फांसी दी गई थी। एक 17 दिसंबर को राजनाथ लाहिड़ी को, और 19 दिसंबर में अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी काकोरी कांड में, मतलब कि काकोरी रेल कांड वगैरह में। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की अंतिम बुक कौन सी थी। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर थोड़ा टफेस्ट भी माना जा सकता है। तो इनकी द लाइफ ट्री, ये जो है आखिरी पुस्तक थी एपीजे अब्दुल कलाम की। और एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो देखिए, यहाँ पर जो है कई सारे अलग अलग जो है नाम देखने को आए हैं, लेकिन मेन जो है प्रिंस हेनरी, इन्होंने जो है अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी। और इसके बाद जो है कंप्यूटर से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। अब नॉर्मल से किस तरह से पूछे गए थे ये तो हमें बताया नहीं गया था, क्योंकि कैंडिडेट को जो है ध्यान नहीं था। तो जितने कैंडिडेट्स को जो है जितने क्वेश्चन यहाँ पर याद थे, उन्हें लगभग जो है सारे जो है क्वेश्चन हमें बताए, और इसके हमें जो है ऑप्शन हमने
कंप्यूटर वगैरह से, या हम बोल सकते हैं नेट वगैरह से निकाला, हमारी बुक वगैरह से निकाला, एनसीईआरटी से निकाला, तो वहाँ से आपको जो है यहाँ पर आप जो है इसके आंसर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी थी कि आप सभी को जो है एसआर साउदर्न रेलवे में जो 10 जून को लगभग जो एग्ज़ाम पूछे गए थे उनके क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। अब देखिए और भी कई सारे कैंडिडेट्स ने एसआर में जो है जिन्होंने फॉर्म भरा था जीडीसी का, मतलब कि एसआर में जो काम करते हैं साउदर्न रेलवे में, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जो है कई सारे कैंडिडेट्स में से कुछ कैंडिडेट्स ही हमें जो है क्वेश्चन के आंसर बता पाए। इसके अलावा जो है अभी हमारे पास क्वेश्चन नहीं आया है। तो जब भी ऐसे साउदर्न रेलवे के कुछ और क्वेश्चन हमें आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है 21 तारीख को आखिरी एग्जाम है, तो कुछ कैंडिडेट और हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनके से भी जो हमें क्वेश्चन मिलते हैं साउदर्न रेलवे वालों से, तो हम जीडीसी के जो है क्वेश्चन आपके साथ शेयर जरूर कर देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जो है डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, और फ्यूचर में जिन कैंडिडेट्स का जो है जीडीसी का एग्जाम है वो भी इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग के यहाँ पर हमें क्वेश्चन नहीं मिल पाए क्योंकि कैंडिडेट्स को इतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जो है मैथ्स रीजनिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। इस वीडियो में इतना रखेंगे, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप जो है कौन से जोन में काम करते हो और आपका जीडीसी का एग्जाम कब तक के है, अगर साउदर्न रेलवे में हो या फिर आप SWR में हो, या फिर आपने जो है NWR से अगर एग्ज़ाम दिया है, NWR में काम करते हो, या फिर आपका जो है SCR में एग्ज़ाम होने वाला हो। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।